बहरहाल ये डीपीओ चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद को इधर चकवाल में चाह ही संभाले। अब 6 माह का अरसा होने वाला है, तो ये इन्होंने जब भी इधर इसमें चकवाल में चाह ही संभाला था ये फरवरी मार्च के महीने में, तो उन्होंने एक नारा मस्ताना बुलंद किया था कि चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस, और उन्होंने इसके बड़े बड़े बैनर और स्टिकर जो है ना मुख्तलिफ पूरे ज़िला चकवाल में मुख्तलिफ मकाम पर ये इधर डिस्प्ले किए हुए हैं। तो बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और ये इसको खिदमत मरकज़ और ये सारा इसको बड़ा भरपूर तरीके से फाल करने में डीपीओ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और ये आज इस सिलसिले में ये मादूर लोगों में राशन तकसीम करने और उसमें ख्वाजा सराओं में राशन तकसीम करने और मादूर लोगों में व्हील चेयर ये तकसीम की गई है। तो ये हम आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ये मनाजर दिखा रहे हैं। तो ये आरब महमूद खोखर ये रिपोर्ट दे रहे हैं उधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से। तो ये आज ये इधर मादूर लोगों में ये डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने व्हील चेयर और ख्वाजा सराओं और दीगर मुस्तकिन में राशन तकसीम किया है। तो ये हम आपको मनाजर इधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में दिखा रहे हैं। तो ये आज इधर बड़ी एक भरपूर तकरीब मुनक्कद हुई है, तो जिसमें डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने खसूसी तौर पर शिरकत की थी। तो बहरहाल ये हम आपको एक दफ़ा फिर ये इधर डीपीओ ने मादूर लोगों में व्हील चेयर तकसीम की हैं, और ये जो मुस्तकिन और दीगर ख्वाजा सरा जो इधर थे तो उनको में राशन भी तकसीम किया गया है। तो ये हम आपको डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद के इधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आज उनकी मसरूफियत के ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं।